मित्रों आइए जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इसका क्या है महत्व है। मित्रों अक्षय तृतीया पर्व हर साल बैसाख शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आखा तीज भी कहते हैं। मित्रों बताया जाता है कि वर्ष के 3.5 अक्षय मुहूर्त है जिसमें प्रथम व विशेष स्थान अक्षय तृतीय का है। अक्षय मुहूर्त होने के कारण इस दिन विवाह करना गृह प्रवेश करना और सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर अक्षय तृतीय के दिन स्वर्ण खरीदना और विवाह करना सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता है मतलब नाश नहीं होता है। मित्रों अक्षय तृतीय के दिन स्नान ध्यान जप ताप करना हवन करना पितृ को दर्पण करने से पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीय के दिन पंख चावल नमक घी चीनी सब्जी फल इमली और वस्त्र वगैरह का दान करना अच्छा माना जाता है। मित्रों आइए जानते हैं इसके पौराणिक तत्व है। मित्रों इस दिन भगवान नर नारायण सहित परशुराम और हाय ग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। माँ गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था। मित्रों इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। मित्रों अक्षय तृतीया के दिन श्री विष्णु सहस नाम का पाठ श्री सूत का पाठ श्री रामचरित मानस के अर्घ कांड का पाठ करना चाहिए। ईश्वर जीवन में ऋषियों का आशीर्वाद धन यश पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मित्रों अक्षय तृतीय के पावन दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। अक्षय तृतीय के दिन भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों इस दिन सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीय के दिन ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। इसी दिन महाभारत की लड़ाई भी खत्म हुई थी।